अभी तो आप दिल्ली से बाहर भी नहीं है, आपको कैसे मालूम होगा कि दिल्ली से बम्बई कितनी दूर है, बम्बई से लखनऊ कितनी दूर है, लखनऊ से अहमदाबाद कितनी दूर है, अहमदाबाद से दिल्ली कितनी दूर है। उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं मौलाना मिलेगा क्या, कब तरक्की ने मेरे हाथ में मोबाइल दे दिया है, मेरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के अंदर गूगल है और गूगल के अंदर जियो है और जियो ही नारा लगा है जियो और जीने दो, गूगल ये नारा लगा है, जियो ये नारा लगा है, जियो और जीने दो। इसका मतलब ये है कि हर बच्चे को आजादी दे दी है, तुम जो चाहो इस पे देख लो। अब गूगल अगर हाथ में आ गया तुम्हारे हाथ में, तो इंसान को इतना भी लगता है कि जिस जगह पे आप खड़े हैं यहाँ से इस जमीन के नीचे पानी की गहराई कितनी है, यहाँ से फला शहर की दूरी कितनी है, हवाएं कितनी तेज चल रही हैं, आज बारिश होगी या नहीं होगी, ये सब कुछ जानता है। एक छोटा सा बच्चा भी जानता है, उसके हाथ में तरक्की ने मोबाइल दे दिया। अब तक तो लोग उसे बहुत बड़ा आलिम समझते थे जो ये बताता था कि बारिश कब आने वाली है, अब 5 साल का बच्चा बता रहा है कि बारिश कब आने वाली है। अब ये ना तालाबू पानी आ जाएगी तो कहाँ जाएगी, तवज्जो हो रही है, अब ये ना तालाबू पानी आ जाएगी तो कहाँ जाएगी। इसका मतलब ये है कि परवरदिगार आलम ने इस आयत को कुरानी मजीद के अंदर रखकर और कयामत तक रखकर बता दिया कि तुम सब कुछ सीख सकते हो, लेकिन ये नतालमून वाली आयत तुम्हें एहसास कराती रहेगी कि तुम पैदा भी जाहिल हुए थे, जब दुनिया से जाओगे तब भी जाहिल जाओगे, ना तुम अब जानते थे ना तुम जाने के बाद जानोगे। हे मेरे परवरदिगार, फिर वो कौन है जो आलिम है, ये तो सारी दुनिया है जो अपने आप में इल्म का ढिंढोरा पीते हुए है, हाथ में तरक्की ने मोबाइल दे दिया, उसके बाद ये आकर आ गई कि हम सब कुछ जानते हैं। कल नहीं, हम कुरान मजीद के अंदर ये ऐलान करेंगे, तुम सब कुछ जानने का दावा करते हो लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम सब कुछ जानते हो। किस तरह से कुरान ऐलान कर रहा है, क्योंकि ये आयत कयामत तक बाकी रहेगी और हर इंसान को फर्द बशर को यह एहसास दिलाती रहेगी, न तुम कल जानते थे न तुम आज जानते हो, या मैं लफ्जों को बदल के यूं कहूं, तुम कल भी नातालमून के दायरे में थे, तुम आज भी नातालमून के दायरे में हो, तुम कल भी नातालमून के दायरे में होगे। ये मेरे परवरदिगार, फिर आलिम कौन है, कब फिर कुरान मजीद को देखो आलिम कौन है, कुल्ला राही थी ऐसा रो इमाम नबी, वो कल भी आलिम थे, वो आज भी आलिम है, वो कल भी आलिम रहेंगे, नहीं वो पैदा भी आलिम हुए थे, वो दुनिया से गए भी तो आलिम की शरत लेकर गए। क्या मतलब, कब मिंबर पे आने के बाद एक ही जुमला कहा था कि अफसोस इस बात का है, जितना बड़ा मैं आलिम था इतना किसी ने सवाल नहीं किया, अल्लाह हो गया अल्लाह हो गया, जितना बड़ा मैं आलिम था इतना किसी ने पूछा नहीं, और जितना मैं सकी था इतना किसी ने मांगा नहीं, सवाल नाना का मजला है,
तो मैं कुछ और नहीं अगर कहा था मैं कुछ और बोलूंगा, लेकिन माशाल्लाह यहाँ का मजमा देख कर मुझे ये एहसास हुआ कि इस तरह से अगर कोई वैसे कोई पैगाम कम मजमे में ज्यादा देर तक काम करने वाला अगर कोई मैसेज हो सकता है तो इस अंदाज से भी हो सकता है। सुनिएगा मैं रखी एक कुरान समझ में नहीं आता, एक कबर समझ में नहीं आता। ये जिम्मेदारी की मजलिस जो माशाल्लाह हर बरस होती है और परवरदिगार ने कयामत तक जारी व सारी इसका सिलसिला रहे, और जैसे ही पंजाबी हसा का मौसम होता है फलक पे माहिर मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो मजलिस शुरू हो जाती है, मातम शुरू हो जाता है, हसादारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोग एक सवाल करते हैं कि ये क्या हो रहा है, कई हसादारी हो रही है, इसलिए तो मुहर्रम का चांद नजर आया। तो मुहर्रम में क्या हुआ था, क्या इमाम हुसैन शहीद हुए थे। अब सवाल ये होता है, अब आप मुतवज्जे रहिएगा, अब सवाल ये होता है इमाम हुसैन क्यों शहीद हुए। क्या इमाम हुसैन इसलिए शहीद हुए कि इस्लाम खतरे में था, इस्लाम खतरे में था। माफ कीजिएगा, इस्लाम पैगंबर इस्लाम की शहादत कब हुई, ग्यारह हिजरी में, करबला का वाकई हुई 61 हिजरी में, तो 50 बरस बीच में गुजरे, तो माफ कीजिएगा इस्लाम 50 बरस के बाद खतरे में नहीं था। पैगंबर इस्लाम की शहादत के तीसरे ही दिन इस्लाम खतरे में था। मैं कह रहा हूं कि छोटे मजमे का एक बड़ा मैसेज और ज्यादा देर तक काम करने वाला, अगर हो सकता है तो उस तरह हो सकता है। अब तीन सवाल होते हैं कि अगर इमाम हुसैन शहीद हुए तो इमाम हुसैन ने करबला बनाई, करबला से हमें फायदा क्या है, करबला से हमें फायदा क्या है। अगर हुसैन करबला ना बनाते तो क्या होता, और हुसैन ने करबला बनाई तो क्यों बनाई। इन्हीं का जवाब और मजलिस्ता इमाम हुसैन ने करबला क्यों बनाया, अगर हुसैन करबला ना बनाते तो क्या होता। अगर इमाम हुसैन ने करबला बनाई है तो इंसानियत को इससे फायदा क्या है। तो हुजूर सुनिएगा, रसूल के सहाबी हैं और बहुत बड़ा नाम है जनाबे अब्बास, रसूल अल्लाह के सहाबी हैं, नबीना होते हैं, आपको उसे दिखाई नहीं देता। आज का जमाना आने वाला था, अपने शागिर्द को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि जब हज का मौसम आने वाला है न जाने जिंदगी का चराग कब बुझ जाए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक मरतबा जरूर एक मरतबा और मैं हज करूँ। साहबी ने कहा ठीक है, मुझे शागिर्द ने कहा ठीक है, तो मैं करना क्या का जैसे ही हज का सामान आए तो मुझे घर पर लेने आना और सहने काबा तक पहुँचा देना। उसने कहा ठीक है, जरूर मैं करूँ। हज का सामान आ गया, वो आया जनाबे अब्बास के घर, उनके बाजू को पकड़ा, सहने काबा में लेकर पहुँच गया, जाके बाजू छोड़ दिया। उनका क्या हुआ, तो हजूर आप खाने काबा के करीब आ गए। अच्छा, उन्होंने सवाल किया का क्या जनाब अब्बास ने सवाल किया पूछा, वो कहते हैं क्या इस मरतबा कोई हाजी हज करने नहीं आया। वो कहते हैं अच्छा, कितने हाजी का हजूर हजारों की तादाद में हाजी की। फौरन उन्होंने जुमला कहा, मैं कह रहा हूँ कि सबसे उनका जुमला हो जाएगा मजलिस का और मेरे सवाल का जवाब भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर हाजी हज करने के लिए आए हैं, अगर वो तुझे दिखाई दे रहे हैं तो मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर वो तुझे दिखाई दे रहे हैं ना अंधा हुआ वो पहला थोड़ी ना हुआ, अगर वो तुझे नजर आ रहा है तो मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहे। सुने का हुजूर क्या मतलब, क्या सुनो जब लोग हज करते हैं तो खाने का यजीद के बाप का ये हुक्म आया है कि इस बार हज
रसूल के सच्चे सहाबी ने अपना सीना फुलाया, कहा मुझे खाने काबा के करीब लेके जाए। उनका साथी खाने काबा के करीब लेकर आया, अपनी पुश्त को खाने काबा की दीवार से टेका और टेकने के बाद दोनों हाथों को उठाया और बड़ा आवाज लगा दोनों हाथों को उठाकर लबैक अल्लाहुम्मा लबैक। रसूल के सच्चे सहाबी का यह कहना था कि जितना मजबूत आवाज कर रहा था उन्होंने जुमला कहा, जब ये नबी का सच्चा सहाबी होगा झूठे खलीफा की बात नहीं मानना है, तो उम्मती होगा ये झूठे खलीफा की बात कैसे मान ले। मुतवज्जे हो जाइएगा, जब ये नबी का सच्चा सहाबी होगा झूठे खलीफा की बात नहीं मानना तो हम कैसे मान ले। अब उन लोगों ने जनाबे अब्बास की आवाज में आवाज बुलाना शुरू की, अब जितना मजमा आया था उन्होंने अपनी आवाज बुलंद कर दी, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक की सलाम से सहने काबा गूंजने लगा। अगर उस रोज नबी का सच्चा सहाबी अगर अपनी आवाज बुलंद ना करता तो आज तक हज खामोश हो रहा होता। सुनिएगा, पैगंबर इस्लाम के सच्चे सहाबी ने क्या कहा, अभी तो नबी का कफन मैला नहीं हुआ और तुमने शरीयत को बदल दिया। पहला क्या काम क्या हुआ पैगंबर इस्लाम की दुनिया से जाने के बाद, पैगंबर इस्लाम की शहादत के बाद, मैं वफात नहीं कह रहा मैं शहादत कह रहा हूं। अगर पैगंबर की शहादत हुई है तो हुई है, हम क्या करें अगर किसी के अब्बा ने रह दिया है, हम क्या करें। अगर रसूल की शहादत हुई है तो हुई है, तो क्या सामान है, तो फिर क्या है
उन्होंने मुस्कुरा के सिपाहियों ने मुस्कुरा के जवाब दिया, हुजूर इसमें शराब भरी हुई है। तवज्जो उठाइएगा, हुजूर इसमें शराब भरी हुई है। का अच्छा शराब का किसके लिए लाए? का रूम से लाए हैं हाकिम शाम के लिए, रसूल के सहाबी ने सच्चे सहाबी ने इतना सुना, उन सिपाहियों से नेजा लिया और जल्दी जल्दी उन दस के दस दस मशीनों में उस नेजे को घोल दिया, सारी शराब बह गई। शराब का बहना था कि सिपाहियों ने पकड़ लिया और पकड़ के लेके पहुंचे दरबार में। दरबार में वो सामने तख्त पर बैठ गए, उसने देखते कहा कि ये बूढ़ा कौन है? मैंने कहा हुजूर ये बूढ़ा नहीं है, ये रसूल के सहाबी है। कहा अच्छा, ये रसूल के सहाबी तो यहां क्यों है? कहीं आए नहीं है, चुरा चुरा के छुपा छुपा के जो हम माल ला रहे थे वो इन्होंने सारे शाम के सदर दरवाजे पर मार दिया। कहा अच्छा, इतना बड़ा जुर्म किया इन्होंने, कहा तब गर्दन मार दो इनकी। हाकिम के सामने कहा कि इन्हें यही पे कत्ल कर दिया जाए, इनके जिस्म से गर्दन को अलग कर दिया जाए। जल्लाद तलवार लेके आगे बढ़ा, ये इनकी गर्दन पे तलवार रखने वाला था। फौरन तारीख में बहुत बड़ा नाम है मसाले का, ये फौरन सामने कूद गया और हाथों को जोड़ के हाकिम से कहता, हाकिम अगर जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं। क्या कहो? कहा इन्हें कत्ल ना कीजिए, मुझे कर दीजिए। हाकिम को गुस्सा आ गया, जितनी पी हुई थी सारी उतर गई, जब सुना के सारी रह गई। फौरन एक जुमला कहा, खाता भी नहीं है तुझे, खिलाता भी मैं हूं, पिलाता भी मैं हूं, तनख्वाह भी मैं देता हूं, सारे ऐशो आराम नाज नखल से मैं उठाता और तू बचा इसे रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि तू पक्का नमक हराम है। उसने कहा हुजूर, अब लुत्फ कीजिएगा। उसने कहा हुजूर मैं नमक हराम नहीं हूँ, फकत कफे कम नस्लन हराम भी हो। उसने कहा हुजूर मैं नमक हराम नहीं हूँ, खाली कफे कम नस्लन हराम भी हो। कहा अच्छा, तू ये बता कि तुझे बचा ले तू जाए। कहा हुजूर मैं इसे नहीं बचा, मुझे कैसे बचा रहे हो? मैं आपको इस तरह से बचा रहा हूं कि अगर ये रसूल का सहाबी आपके दरबार में कत्ल हो गया, ये खबर बाहर फैल गई, बाहर लोग सवाल करेंगे कि रसूल के सहाबी को किस जुर्म में कत्ल किया, का हाकिम की शराब को बहा दिया था। हाकिम की शराब को बहा दिया था, इस जुर्म में हाकिम ने उन्हें शहीद कर दिया। इसका मतलब यह है कि हाकिम ये बदल नहीं होंगे, असल में तेरी धज्जियां पकड़ जाएगी। तो बात किया आपने, कितने काम हो गए अल्लाह के घर में, अल्लाह की लबैक बंद करा दी, शराब को आम कर दिया गया, शराब को जायज करार दे दिया गया। जब ऊपर वाला पी रहा तो नीचे वाले क्यों नहीं पिए? वो भी पी रहे। अब तीसरा नाम सहाबी इतनी दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, छत से बड़ा नाम है, अबू अय्यूब अंसारी, बहुत बड़ा नाम। अबू अय्यूब अंसारी के लिए ये फिजा ये रूमर बन चुकी थी कि अबू अय्यूब अंसारी जिस मुसलमान के घर में कदम रख दे, उस मुसलमान के घर में कभी आफतें नहीं आएंगी, कभी मुसीबतें नहीं आएंगी, कभी परेशानी नहीं आएगी, कभी उसके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, कभी उसके बच्चे बीमार नहीं होंगे, कभी उसे बलाएं परेशानियां नहीं घेर सकती। अबू अय्यूब अंसारी के लिए बात मशहूर हो चुकी थी। अब अबू अय्यूब अंसारी में एक कमाल कैसे आया? तवज्जो दीजिएगा, अबू अय्यूब अंसारी में एक कमाल कैसे आया कि मुसलमान, हर मुसलमान ये चाहता था कि अबू अय्यूब अंसारी रसूल का साथी मेरे घर आए, मेरे घर आए, मेरे घर आए, इसलिए कि रसूल का नाम अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर आ गया था। अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे नबी का नाम रहता था। बड़ी अजीब बात है, जिसके दरवाजे पर
ये वो नाम है जो तराफैन में दोनों तरफ बड़ी इज्जतों के साथ लिखा है। अबू अय्यूब अंसारी, ये तीनों नाम जनाबे अब्बास का नाम भी, जनाबे अब्दुर रहमान का नाम भी और जनाबे अबू अय्यूब अंसारी का नाम भी। अबू अय्यूब अंसारी की बहुत इज्जत है। अबू अय्यूब अंसारी एक मतलब शाम है, हर मुसलमान ये चाहता है कि मेरे घर आए, मेरे घर आए, मेरे घर आए। शाम में पहुंचे हुजूर पहले हमारे घर चले, हमारे घर चले, हमने सबके यहाँ रह गए परेशान होंगे ना। और तो ये पहली गली है इसी मकान से बना ली, पहले घर में गए अस्ताफा करते हुए बाहर आए, दूसरे घर में गए अस्ताफा करते हुए बाहर आए, तीसरे घर में गए अस्ताफा करते हुए बाहर आए, चौथे ने कहा कि ये तो तीन दिखा रहे हैं तुम्हारे जैसे दाखिल हो फौरन सफा को दोबारा तो हुजूर आप चल क्यों नहीं रहे, किसी के यहाँ मेहमान करने के लिए तैयार क्यों नहीं है, आप किसी भी मकान में रुकने के लिए तैयार क्यों नहीं है, आपको अब हम कहाँ ले जाए, ये जितने हैं सबके सब मुसलमान हैं, आप नबी के साहबी हैं, आपको हम इज्जत में लेके जा रहे हैं और आप हमें पूरे शाम के सामने बेइज्जत कर रहे हैं। पैगंबर के साहब ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि तुम किसी मुसलमान के घर में तो नहीं चलो, तुम किसी मुसलमान के घर में लेके चलो। का वजह क्या है? अब तक आप जितने लोगों के घरों में गए हैं वो सबके सब मुसलमान है, कहीं मुसलमान नहीं हो सकते, किस तरह से आप कहने के चाहते हो? वजह क्या? का वजह ये है कि मुसलमानों में तशय्यु होती है, बैतुल खला पहले उसका जो रुख होता है वो किबला रुख नहीं होता, और तुम्हारे मकानों में अब तक जितने घरों में मैं गया सबका रुख आने का वो किबला रुख है। अच्छा हुजूर ये बात है, हाँ ये बात है, हम किसी के घर में नहीं रुकेंगे। तो हुजूर आप पूरे शाम में चले जाइए, शाम में जितने मकान हैं सबके यहाँ मैं तो फला का जो रुख है वो उधर ही है। ऐसा क्यों? कब पहले हमारे यहाँ भी मक्के और मदीने के तरह था, लेकिन हमारे हाकिम ने हुक्म देखा है, लेकिन हमारे हाकिम ने हमें हुक्म देकर इस तरह से बनवाया। तो आपने और किया कितने काम हुए? अल्लाह के घर में अल्लाह की नफरत बंद करा दी, शराब जायज हो गई, और तीसरा काम हाजते किबला रुख होकर पूरी होने लगी। अब वो चलती है काम हम शाम में रुके, पीछे से बादशाह के सिपाही आ गए, जाके पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? कहाँ वापस जा रहे हो, हमें ही आपको चलना हो काम ले जाएंगे। उन्होंने गर्दन पे तलवार रख दी, आपको चलना होगा जिंदा या मुर्दा। मैंने कहा अजीब बात है, कल जिनके बुजुर्गों ने नबी के सहाबियों पर तलवार उठाई थी आज उन्हीं की औलादे सिपाही सहाबा के नाम पर झंडे उठा रही है। आज उन्हीं की औलादे सिपाही सहाबा के नाम पर झंडे उठा रहे, कल रसूल के सहाबियों पर, ये पूरी मजलिस सहाबियत में, ये भी कहा जाता है मजलिस में सहाबियों का जिक्र होता है, हुजूर हमारे यहाँ सहाबियों का जिक्र होता है, लेकिन हमारे यहाँ सहाबियत का एक मियाद है। मैं मिंबर से पूरी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कह रहा हूं, हमारे यहाँ जो दायरे शिंगत में रहे और वो अगर सहाबियों को बुरा कहे तो उसे मसलके शियत से खारिज कर दिया जाता है, उसे बेगम शिया कबूल नहीं करते। वो शिया नहीं है जो सहाबा की तौहीन करे, जो सहाबा को बुरा कहे, हम उसे शिया नहीं मानते। लेकिन हमारे यहां सहाबियों का एक मियार है, जो सहाबियों को बुरा कहे हम उसे मुसलमान नहीं मानते, लेकिन जो बुरे
कि अब हिलाली हो रंग हिलाली हो शराब को जायज कर दिया।
दिया गया। और ये काम क्या हुआ? मर्द सोना पहनने लगे, मुसलमान दरिंदे की खाद में बैठना शुरू हो गया, और जो इंसानी हालात होती है उन्हें पिंडा को बैठ के पूरी किया जाने लगा। ये सब बातें, लेकिन तारीख इस्लाम का बहुत अहम वाक है, बस मैं इसको तमाम कर दूंगा, बहुत अहम वाक है। अमीर शाम ने, बल्कि फकीर शाम ने अपने उस जासूस को बुलाया, इसका नाम है हमारे आज, हमारे आज को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, कहीं लश्कर देख रहे हो? तो देख रहा हूं। तो बादशाह किसी ने तैयार किया? तब मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है जिंदगी की कि एक दफा इसे आर पार की हो जाए, एक दफा नीचे आर पार की, फिर जिंदगी ने मौका दिया या नहीं दिया। हमारे आसिफ ने इतना सुना, सुनने के बाद हंसा और उसके कहा कि क्या कहा आपको, हुजूर जरा दोबारा कहिए। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि एक मरतबा इसे आर पार की हो जाए। का बहुत अच्छा लग रहा है, एक मरतब और नहीं। का मेरी ख्वाहिश ये है कि एक मरतब अली साहब बात की हो जाए। फौरन उसने मुस्कुराने का पहले आराम की कर लो, बात की बात में कर लेना। का क्या मतलब तू कहना क्या चाहता है? का तुमने जिनको ये तैयार किया है, जितने साहब अपने सिपाहियों को खिलाया पिलाया, कितने दिन से तैयार कर रहे हो? 6 महीने से। का तूने जो 6 महीने में तैयार किया है, तू अली को जानता नहीं है। अली जिस वक्त मैदान में आएगा, घोड़े की सींग के मिंबर पे आकर एक ही जुमला कहेगा, अल्लाह अली इब्ने अबी तालिब। आधे तो ये भाग जाएंगे, आधे वही पे होश हो जाएंगे। जाना है कल, और परसों है जुमा,
लेने जाए, जहां भी मौका मिलेगा पानी नजर आएगा वहां ऊंचू बनाने के जो वहां हो जाएगा। परेशानी वाली क्या बात है, कह रहे तूने मुझे ये भेजा था ये पहचानने के लिए कि लश्कर में अली वाला कौन है, मैं पता तो नहीं कर सका लेकिन मेरे जहन में एक आइडिया है। क्या क्या कल तेरा लश्कर जाएगा, कल परसों है जुमा, तो परेशानी वाली क्या बात है, मैं जुमा के रास्ते में बढ़ा दूंगा। कल नहीं, परेशानी वाली बात तो यही अभी फैसला हो जाएगा कि इनमें अली वाला मैं अपने जवान भाई के शादी
अनुभूते हूं प्रत्येक सत्ता, लेकिन इस नाम की गर्दन को अलग होते हुए नहीं देख सकता। क्या सोचा कर दिया? अपने भरे घर को लुटा है, कुर्बानी 6 महीने के बच्चे की कुर्बानी, जवान 18 बरस के बेटे की कुर्बानी, और क्या हुए 32 बरस के जवान भाई की कुर्बानी। ये सारी कुर्बानियां इमाम हुसैन ने मंजूर की, लेकिन वो एहसास जो दिल को तड़पा देता है, गौर करना, अपनी बहन की बेरताई, अल्लाह करता है हुसैन ने 4 साल की बच्ची के मुंह पर तमाचे बर्बाद किए। जानते हैं वो हुसैन ने कितना तब्दील कर दिया, कितना बदल दिया। ये सरहाए शौदा जब नेजे की दुनिया में सफर कर रहे थे, जब नेजे की दुनिया में सफर कर रहे थे कि बहुत से लोग ऐसे थे जो इमाम हुसैन को पहले से देख चुके थे, इमाम हुसैन को पहले से जानते थे, अहले बैत को पहले से जानते थे, लेकिन जब नेज़ो बसर देखे तो पहचान न सके ये हुसैन का सर है या अब्बास का सर है या अब्बास का सर है, कोई पहचान नहीं पा रहा था। हद तो ये हो गई कि जब ये सरहाए शौदा शाम के दरबार में पेश किए गए, शिब्र यजीद के सामने सरों को पेश कर रहा, ये अब्बास का सर है, ये हम मोहम्मद के सर, ये कासिम का सर है, ये अली असगर का सर है, ये अकबर का सर है, आखिर में एक सर पेश किया, कहीं ये किसका सर है, कहीं ये हुसैन का सर है। बस जैसे ही यजीद ने देखा ये हुसैन का सर है, यजीद ने इमाम हुसैन के सर को लेने से इनकार कर दिया और शिव से जुमला कहा, मैं रिवाज पढ़ लो इसको तमाम कर रहा हूं, तो तेरे रहने इमाम हुसैन के सर को लेने से इनकार कर दिया और शिव से जुमला का, शिव ये हुसैन का सर नहीं हो सकता, शिव ये हुसैन का सर नहीं हो सकता, तू हुसैन के सर को कहीं भारी कीमत में बेच रहा है। पर शिव ने इतना सुना, सुनने के बाद जमीन पर बैठ गया और बैठने के बाद जुमला कहता, हाकिम सारी मेहनत इसी सर के लिए हुई है, मैं कसम सदियों के मसाहिब
बीवियों के दरमियान से एक 4 साल की यतीमा का हाथ पकड़ा और शुरू उस यतीमा को बाबू पकड़ के लाया। सकीना बताओ ये किसका सर है? जनाबे सकीना ने कहा मेरे बाबा का सर है। सकीना अपने बाबा से मुलाकात करना चाहोगी? कहा मैं अपने बाबा से मुलाकात करना चाहूंगी। कहा अगर तुम चाहती हो कि मैं अपने बाबा से मुलाकात करो तो जाओ सर को ले लो। पर जैसे ही जनाबे सकीना सर की तरफ बढ़ी फौरन शिवर ने बाबू पकड़ लिया। नहीं सकीना आप तुम अपने बाबा से इस तरह से मुलाकात ना करोगे। कहा शिवर फिर किस तरह से करो? कहा सकीना अब तक तुम अपने बाबा से मुलाकात करने के लिए जाती हो, अगर तुम्हारे बाबा तुमसे वापस करते हैं तो सकीना आज तुम्हारे बाबा तुमसे मिलने के लिए आए। कहा सकीना ने इतना सुना जनाबे जैनब की तरफ देखा। जनाबे जैनब ने सर हिला कर कहा हां मेरी लाडली मोहब्बत का इम्तिहान है इसे काबिल कर दे। पर जनाबे सकीना ने अपनी आंखों में आंसू भरे चले हुए कुर्ते का दामन उठाया सर हुसैन की तरफ देखा। हे बाबा शिव मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। तरसे तरसे हुसैन उठा जनाबे सकीना के दामन में आया। बच्ची ने बात के मुंह में मुंह रख दिया हे बाबा जनाबे सैयदा का वास्ता देकर इमाम हुसैन से दुआ कीजिए। ए मौला आपको अपनी वालिदा की टूटी हुई पसलियों का वास्ता इन आसमानों को सलामत रखना। ये तौरे पूरा शोर है जानों के दाने पड़े हुए। ए मेरे मौला इन सदारों की हिफाजत करना। ए मेरे मौला तुझे वास्ता है बीमार करबला इमाम सज्जाद का। तुझे वास्ता है बीमार मदीना इमाम सोहरा का। बिलखसूस फाजिल भाई की जो बेटे की बेटी रिहान की बेटी किसा के लिए आप दुआ कीजिएगा। परवरदिगार उसे जल्द से जल्द सेहत कामिल वाजिब है। ये मेरे परवरदिगार जो जो भी इस हाजिरी में मजलिस है इनके ऊपर मुश्किल को हल करना। ए बारह जो पानिया की मजलिस है उनकी भी मुश्किलों को हल करना। ए बारह तुझे वास्ता है जनाबे अली असगर शीख खालिक करबला का। जो गोदियाँ अभी तक सुनी है उन्हें आबाद कर दी। ए बारे लाहा तुझे वास्ता है तुझे तेरी इज्जत का, तुझे तेरी शान का, तुझे तेरी अजमत का, तुझे तेरे वक़ार का। आखिरी हुज्जत की ज़रूरत है ताजी फरमा ताजी फरमा ताजी फरमा। हमें उनके अंसारों पर शुमार फरमा। मसाद मुकदस की हिफाज़त फरमा और निमाय हक की हिफाजत फरमा। मराज कराम की हिफाजत फरमा। रब्बना मेहरबानी यादगार करबला के दरवाजे के बाएँ और आवाज मारा शुरू करिए। अजमन यादगारे करबला देखिए मजमा का है सब लोग मिलकर मातम कीजिए। एक फुलन हुए सब मिलकर मातम तो मातम शरीफ की सर।